सबसे पहले ये पूछते हैं जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है बताओ, तुम्हारी जाति क्या है बताओ, उस समय सब कुछ सही है। और सरकार पूछ ली कि तुम्हारा नाम क्या है बताओ, तो इनको प्रॉब्लम हो गया। क्या हिंदुस्तान में हमें राइट टू फूड का अधिकार है या नहीं, क्या हमें राइट टू रिलीजन का अधिकार है नहीं है, राइट टू फेथ का अधिकार है या नहीं। हिंदू सभ्यता में, हिंदू के कार्य प्रणाली में, हिंदू जीवन में शुद्धता का महत्व रखा जाता है। यहाँ तक कि छठ जब होता है हमारे यहाँ, तो हम गेहूँ में मटका टूल में आ जाए, कोई कण ना आ जाए, उसकी भी घर में सफाई करते हैं। यहाँ तक कि भोजन बनाने वाले को भी नहा करके भोजन बनाना पड़ता है, चाहे विवाह हो, चाहे संस्कार हो, मृत्यु के संस्कार हो, अंतिम संस्कार चल रहे हो, तब भी शुद्धता ही पहचान जहाँ पर हो, क्या हमें ये जानने का अधिकार नहीं है। और ये बार बार कह रहे थे जाति बताओ, जाति बताओ, हमने नाम पूछा ही नहीं, दिक्कत क्या आ रही। और सुप्रीम कोर्ट से ये बात सबसे ज़्यादा हास्यास्पद लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तियाँ किस आधार पर हो रही है। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ, एक केस चला, एक पार्टी आके खड़ा हुआ, एक पार्टी आके खड़ा हुआ, उसने अपना पक्ष रखा। पहली बार देखा गया सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष खड़ा होता है और वो अपनी बात कहता है। जज पूछ रहे हैं दूसरा पक्ष कहाँ है, बोलता है दूसरा पक्ष नहीं है, बोला ठीक है आदेश दे दो, इंतरिम आदेश दे दो। अरे आपने सुप्रीम कोर्ट में आज तक ये होता रहा है कि दूसरा पक्ष अगर नहीं आता है तो नोटिस इशू किया जाता है कि भैया नोटिस इशू करो, उसका पक्ष आएगा फिर हम फैसला देंगे। आपने ना सुना ना कहा, और जब सावन शुरू हो चुका था उसके बाद आपने अंतरिम आदेश कैसे दे दिया, अंतरिम रोक कैसे लगा दिया। क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी विचारधारा को देखकर, और मैं आज प्रश्न करता हूं, इस देश में गरीब गुरबा समाजवाद फलाना ढिकाना सबकी बात होती है, लोकतंत्र की बात होती है, आज गरीब हजारों गरीब लाखों गरीब ने करोड़ों गरीब खड़े हैं माइलॉट के सामने, बाईता मुझे डेढ़ दे दो, लेकिन इस कोर्ट में सिर्फ तारीख 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 मिलता है। लेकिन क्या वजह है कि बार बार एक पैटर्न दिखता है कि एक तरह का केस, एक तरह के वकील और एक तरह के एप्लीकेंट खड़े हो जाते हैं और उनको तुरंत डेट भी मिल जाता है, सुनवाई भी हो जाती है, फैसला भी सुप्रीम कोर्ट दे देता है। मतलब ये पहली बार देख रहे हैं कि एक पक्ष को आपने सुना, दूसरे का सुना नहीं, और आपने इंटरिम आदेश दिया कैसे। ये बहुत बड़ा इशू है, इसीलिए कहता हूँ कि न्यायिक सुधार बहुत आवश्यकता है इस देश में। और जब तक न्यायिक सुधार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो जजे बनते आ रहे हैं, कई ऐसे जजों में हमने देखा है कि कई सीनियर को पीछे छोड़ करके बनाया गया है उनको जज। क्यों बनाया, जिसने बनाया उसको रिटर्न कर रहे हो क्या? और ये विचारधारा की लड़ाई जहाँ पर सड़कों से नहीं लड़ी जा रही है, वहाँ क्या कोर्ट से अब लड़ेंगे कुछ लोग? ये सवाल है, और ये सवाल एक व्यक्ति का अगर है तो लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट को भी ये जिम्मेवारी बनती है कि उन्हें भी इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनको भी अपनी सत्यता साबित करनी पड़ेगी। लोकतंत्र का ये तकाजा है। आप राष्ट्रपति पर भी सब प्रश्न नहीं कर सकते, ठीक आपने हटाया हुआ है, आप कैसे, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, हम आपको अधिकार देंगे, आप जो मर्जी आया है बोलना है बोलो, आपको जो करना है करो, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट पर आप कुछ बोल देते हो तो नहीं अब मानना हो गया। मतलब दूसरों को गाली देना, प्रधानमंत्री पद को गाली देना, इनको लगता है स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पे अगर सवाल उठा तो ये कहते हैं अब मानना है। ये दोहरा आपने कोई कौन सा सिलेक्शन पास करके आते हैं, पिता जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बेटा बन जाता है, तो इस आधार पर। और कई सरकारें नियुक्त कर रही हैं, कई बार कई वकील ने वकीलों को किया, और एक जो वकील साहब गए थे पहले भी कई केसों में, वो तो एक महिला को गोद में लेकर, बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, वो जज बना रहे थे एक बच्ची को, तो ऐसा। और कौन लोग गए थे कोर्ट में, तीन लोग समझिए, अपूर्वानंद, वो जो दिल्ली में दंगे में मास्टरमाइंड में इनका आरोप बना था, वो कोर्ट जाते हैं। दूसरे कौन, वो टीएमसी की महुआ मोइत्रा, वो उनका सदस्यता क्यों से चली गई थी संसद की, उसने एक कंपनी को, एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो गोपनीय होता है सांसद का वो दे दिया था। तीसरे अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो हर बार ऐसी जहां भी मामला आता है वहां पे खड़े हो जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आइए ले जाइए आदेश, कैसे आदेश दे सकता तू, क्या मुझे ये जानने का हक नहीं है? और यदि ये कानून गलत था, सुप्रीम कोर्ट कानून और आदेश की न्यायिक
उनकी ऑडिट कर सकता है या उसका विश्लेषण कर सकता है। जब यह कानून 2006 में आया, यूपीए सरकार ने लाया, अभिषेक मनु सिंघवी के कांग्रेस पार्टी ने लेकर आई, वो कानून संबद्ध है या नहीं इसकी व्याख्या आप करते नहीं हैं, आप सीधे नोटिस देते हैं। अच्छा, नोटिस देने के बाद आपने दूसरा का पक्ष नहीं सुना। खैर, हिंदुस्तान में जब आतंकवादियों के पोस्टर लगाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है, लेकिन जब यही शाहीनबाग हो रहा था, कोर्ट चुप था, लोग कह रहे थे मेरी सड़कें जाम है, जब किसान आंदोलन में सड़कें जाम थी तो यह सुप्रीम कोर्ट चुप था, जब सब कुछ खत्म हो गया फिर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी, नहीं नहीं लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, सड़कों का ख्याल रखना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट उस समय मौन हो जाता है और उस समय वोकल हो जाता है। नूपुर शर्मा के केस में भी देख लिया, सारे बहाने, अगर नूपुर शर्मा गलत थी, आपने कहा कि सब कुछ तुम्हारे कारण होता, सजा दे देते, सजा नहीं दिया, सिर्फ तुमने टिप्पणी की। ये क्यों ऐसी टिप्पणियां बार बार होकर के देश की जनता में अविश्वास पैदा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? और ऐसा हुआ यदि तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट का पे प्रति जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा लोकतंत्र में, क्योंकि हमने समाज में, लेखकों ने, सिनेमा वालों ने, हमने नेताओं पर विश्वास खत्म करवा दिया। इनकी नेताओं के कारण ही नेताओं पे विश्वास जनता का खत्म हुआ। जो शासन व्यवस्था थी, पुलिस और दर, उन्होंने अपने कारणों से अपने प्रति विश्वास खत्म किया। क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि उनके प्रति भी विश्वास का, अविश्वास का पैदा हो? इसलिए ये नैतिक जिम्मेवारी बनती थी। और लीगल तकाजा भी यही कहता है कि बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए आपको नोटिस और प्रतिबंध लगाने की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब क्या हिंदुओं को अब यह देश छोड़ करके जाना पड़ेगा? क्या हिंदुओं को यह हक नहीं है? अच्छा, जज साहब एक बात बड़ी घृणास्पद टिप्पणी किया है, कितने कि मैं गया केरल में, हिंदू का होटल गंदा था, मुसलमान का होटल साफ था, मैंने खाना खा लिया। अरे तुम कौन हो तो यार, तुम तय करोगे क्या? एक व्यक्ति तय करेगा कि मैं फलाने के यहाँ, मैं जापाल के यहाँ खाना अच्छा लगता है, तो मेरा ये व्यक्तिगत निर्णय ना। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए, आप सुप्रीम कोर्ट के जज, आप कैसे ये बातें टिप्पणियाँ कर सकते हैं? आप क्या बताना चाहते हो कि सब लोग जाओ मुस्लिम होटल या हिंदू होटल मत जाओ? ये समाज में जो विद्वेष फैला रहा था ये सुप्रीम कोर्ट के जज फैला रहे थे, और ये कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अरे बहुत हो गया सम्मान, या टैक्स के पैसा देता है हिंदुस्तान के बच्चे, न्याय के लिए लड़ रहे हैं हिंदुस्तानी, गरीब साला कोर्ट के सामने खड़ा है, ये जज सब गर्मी छुट्टी मनाएंगे, ये जज जाएंगे आलीशान बिल्डिंग में रहेंगे, जो मनमाना फैसला होगा ये सहेगा क्या? लोकतंत्र, किस लोकतंत्र में ऐसा होता है कि बाप बेटा को जज बना रहा है, वकीलों का लॉबी वकील को, और ये इंट्रोडक्शन कराते थे अपने बच्चों को, ये देखो ये आने वाला जज है, ये मजाक चलेगा हिंदुस्तान में क्या? का जब भी आतंकवादियों के रात में 4 बजे कोर्ट खुल जाता है और इतने लोग मरे रहते हैं, यही अभिमुक्तेश्वरानंद, जो शंकराचार्य जिनको बताया जा रहा है कांग्रेसाचार्य को, इनके इनको शंकराचार्य न बनाने पे 2022 से रोक लगा के रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। जो पिटिशनर है, जो केस लेके गए थे कि शंकराचार्य नहीं बनाना चाहिए अभिमुक्तेश्वरानंद को, जिसमें कोर्ट ने रोक लगाई है 2022 में, आज 2 वर्षों से वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं दे रहा है टाइम। उस तरफ तो आप नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस की प्रवक्ता ही कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, इसीलिए आपको बड़ा मजा आ रहा है, आप 2 वर्षों से उसको कोई भी नहीं दे रहे हैं डेट। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आज पिटिशनर, आखिर अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल के चेहरे में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत खड़ा हो जाता है सुनने को और एक तरफा सुन के आदेश दे देता है? प्रश्न जानने का विषय है या मानना तला लोकतंत्र में टैक्स देगा जनता, कोर्ट के सामने खड़ा हम रहेंगे और ये कहेंगे हमारे हम मानना मत करो, कौन करेंगे? ये मजाक चल रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट के बहाने से इन लोगों ने क्या गंद फैला के रखा हुआ? कांग्रेस को जीवित रखने वाली अगर कोई पार्टी है तो यही। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस ऐसे प्रतिबंध पर उत्तर प्रदेश सरकार एक बार में बोले, और मैं कहता हूं कि बोले उत्तराखंड, योगी आदित्यनाथ जी आज आपके भी हिंदुत्व की परीक्षा, एक लाइन में बोलो कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो क्या ये जस्टिस जाएंगे ठीक करने? पिछले बार मुजफ्फरनगर में जब झगड़ा हुआ तो क्या ये जस्टिस बचाने गए? नहीं, तो लॉ एंड ऑर्डर संभालना सरकार का दायित्व तो है। ममता बनर्जी ने नहीं मानी थी ना, मायावती जी ने नहीं मानी थी ना पार्क वाले मामले में, योगी आदित्यनाथ जी और धामी जी कह दे कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर हमारी संभालने की बात है, कोर्ट थोड़ी ना संभालने आएगा, झगड़ा हो जाएगा तो कोर्ट संभालने आएगा क्या? अगर कांवरिया जा रहे हैं मारपीट हो जाए कोर्ट संभालने आएगा क्या? और इनके आदेश का असर देखो, कल ही रामपुर में या वो उत्तर प्रदेश में कंवरियों पर हमला हो गया, मनोबल बढ़ा रहे हैं ये लोग। इसलिए मैं कहता हूँ योगी जी से, मैं कहता हूँ धामी जी से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से,
ठेंगे पे लो इनको और कहो कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना सरकार की जिम्मेवारी है, आपके आदेश को नहीं मानेंगे। तो मतलब सरकार अध्यादेश ला सकती है इसको लेकर, अगर 26 तारीख को जो सुनवाई हो रही है तो क्या लग रहा है लाना चाहिए? अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं, सीधा ऐसा कह दे कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हमको संभालना है, हम ये चाहते हैं कि हम ये आदेश नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ विपक्षी नेता हैं, कह रहे हैं कि ये बांटने का काम कर रही है सरकार, हिंदू नेम प्लेट लगाने से भाईचारा खत्म होगा। मैंने तुम्हारा नाम पूछ लिया तो तुम्हें तकलीफ क्यों हुई? मैंने तुमसे पूछ लिया कि आपका नाम क्या, आप तो कह रहे थे बताओ जाति। और इनका जो घोषणा पत्र था कांग्रेस पार्टी का, ये क्या कह रहे थे कांग्रेस पार्टी वाले, हम अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों को संसाधनों में पहला अधिकार देंगे। पहला अधिकार किसी को मिल गया, पीछे जो रह गया उसमें विद्वेष नहीं फैला, विद्वेष तब भी फैला। इन्होंने कहा था हम खाने पीने की सुरक्षित करेंगे, हम अल्पसंख्यकों का पहनना खाना पीना संरक्षित करेंगे, इनके घोषणा पत्र में था ना कांग्रेस पार्टी के। जब ये खाने पीने को संरक्षित कर रहे थे अल्पसंख्यकों की, तो हिंदुओं के भी खाने पीने के संरक्षण की बात थी, तब कांग्रेस पार्टी को पीड़ा क्यों हो गई? इनके घोषणा पत्र में था ना। तो फिर यही बात अगर ये कह रहे हैं कि ठीक है तुम मुसलमानों का करना, हम हिंदुओं का करेंगे, और हिंदुओं का ही नहीं करेंगे, हम एक महीना सिर्फ कांवरियों का करेंगे जो 5 करोड़ लोग हैं, सिर्फ उनके खाने का संरक्षण करेंगे, तो फिर कांग्रेस पार्टी को पीड़ा क्यों हो रही है? और इस देश में क्या सामाजिक इतना प्रेम भाव है तो दिल्ली में दंगे कैसे हो गए? सीए